ये सुपर कैरी का रियर लेफ्ट साइड एक्सल ऑयल सील खुल रहा है, खुल चुका है, इसमें नया ऑयल सील फिटमेंट हो रहा है। ये ऑयल सील अब इसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से इसके ऑयल सीट में प्रॉपर ये अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, मतलब इसमें प्रॉपर बैठ चुका है। आप ये देख सकते हैं प्रॉपर साफ यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू यहाँ डिफरेंशियल में कनेक्ट है और डिफरेंशियल से एक लेफ्ट साइड एक्सल निकली हुई, एक राइट साइड एक्सल निकली हुई। इसमें ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी तो इस ऑयल सील की वजह से ही ऑयल लीकेज करती है, इसको हमने रिप्लेस किया, पुराना चेंज करके नया लगाया है। अब इसके बाद फिर हम लोग एक्सल फिटमेंट करेंगे। ये इसका एक्सल हुआ, एक्सल में आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड एक्सल में ये कोन बैरिंग लगा हुआ है, इसका ये मेन बैरिंग है और इसका ये फ्लेंज है, इसके अंदर भी एक ऑयल सील लगी हुई होती है। अभी हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया है क्योंकि जो इसकी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 100% श्योरिटी थी कि इसी ऑयल सील से ऑयल लीक की है। तो अभी इसको चेंज करने के बाद हम अब इसको प्रॉपर फिट करेंगे। देखिए ऑयल सीपेज होके ये पूरे हमारे ड्रम असेंबली में व्हील सिलेंडर के पास पूरा ये फैल चुका है। यहाँ पे ये इसका ड्रम ब्रेक लगा हुआ रहता है पीछे, तो इसकी ये ब्रेक शू हुई और ये इसका ड्रम। ये नेक्स्ट देखिए ब्रेक शू प्लेट इसके फ्लेंज में फिटमेंट कर दिया गया है और अब ये एक्सल इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है। ये अब इसमें प्रॉपर फिट हो चुका है।